लोग को पता ही नहीं कि इजराइल की ताकत कितनी है। इजराइल का इतिहास है वो कभी अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ाया है। इजराइल का रूल है कि हम अगर बंधकों के भरोसे इनकी मांग करते रहें तो एक दिन हमारे देश खाली कर देंगे। सूझ जो नीचे सूझ जो ना तो मार दिया ये गोली जल्दी जल्दी बैठ बैठ एक दो तीन मार मार दिया यार। बम निकाल के सारा लड़ाकू जहाज उड़ा दिया सर, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया सर, एयरपोर्ट उड़ा दिया सर, और सबको बैठाया। बाद में इजराइल पहुंचा, तीन चार दिन इलाज हुआ, नहीं बच पाया। जो मरा था ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था जो आज वहां का प्रधानमंत्री है। लोग को पता नहीं कि इजराइल की ताकत कितनी है। नागरिक को छुड़ाना लेने के एक रीजन, जिसको किडनैप करके लेके चले गए हैं, पता नहीं है ना कि उसको कहां है। तो इतना बड़ा एरिया है, आप सपोज कीजिए कि कोई किडनैप करके लेके चल जाए किसी को। अब जैसे हमरे को कोई किडनैप करके पटना में कहां रखा है तो एग्जैक्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए। छुड़ाने का तो दो मिनट में छुड़ा लेगा, और जानबूझ के नहीं छुड़ा रहा है वो। इजराइल का इतिहास है वो कभी अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ाया है, एक भी बंधकों को नहीं छुड़ाया। तो छह देशों को हरा दिया इजराइल, किसने? इजराइल। अब यहां पर ना कहां सर कि बर्बाद कर दिया जाएगा, किसको? इजराइल को बर्बाद कर देंगे लोग। इजराइल को कर दो भाई, बर्बाद करके ना बताना चाहिए जी। अब इजराइल को जब तब ये सब छुटपुट हमला करते रहता है। इसी तरह से इजराइल से एक जहाज आ रही थी मिस्र से, उस जहाज को जाना था कहां पे? इजराइल। मिस्र कहां जाना था? या एक जहाज जा रही थी तो मिस्र में उतरी और उसको आतंकवादियों ने कब्जा करके युगांडा लेके चले गए। कहां लेके चले गए? युगांडा। युगांडा का शासक था इति अमीन। युगांडा का शासक इति अमीन, और इसमें इजरायली नागरिक थे। क्या थे? इजरायली नागरिक थे। और आतंकवादियों ने इजराइल से कहा कि हमारे जो आतंकवादियों को तुम पकड़ के रखे हो उन्हें रिहा करो, नहीं तो तुम्हारे जितने बंधक है तुम्हें हम मार डालेंगे। इजराइल का रूल है कि हम अगर बंधकों के भरोसे इनकी मांग करते रहें तो एक दिन हमारे देश खाली कर देंगे। कहा कि ना, एक को भी नहीं। इजराइल से चार ठुल जहाजे उड़ी, सब सवारी वाली, लड़ाकू नहीं, सवारी वाली, और अरब सागर पे एकदम नीचे नीचे उड़ते हुए यहां आई सब, और हवा में उसमें फ्यूल भरा गया, और यहां से चार जहाजे लाइन से इसमें उतरी सब। कहां पे? युगांडा एयरपोर्ट पे। युगांडा एयरपोर्ट वालों को लगा कि चार को जहाज एक साथ उतर रही है, राष्ट्रपति आए हैं लग रहा है। उन सबको लगा कि उसका राष्ट्रपति आए हैं, तो सब एकदम अलर्ट हो गए, सबको उतारा गया यहाँ पे। जब उतरा तो पता चल गया, तीन को जहाज जब उतरी ना तो पता चल गया कि राष्ट्रपति नहीं है। तो रात के टाइम पे जहाज बिना लाइट के नहीं उतर सकती है, लाइटवे बंद कर दिया से एयरपोर्ट पे। अब सोचिए रात में अंधेरा हो जाएगा तो जहाज उतरेगी कैसे? ये सब इतना दिमाग वाला इजराइल वाला कि जो पहली जहाजिया उतरी थी ना उसमें बहुत हाई पावर का टॉर्च ले गए थे सब, और रनवे पे ये रनवे दिख नहीं रहा है। अब बताइए हाई पावर का कोई आदमी यहां से टॉर्च लेके ऐसे जला दे, एक आदमी यहां चला गया बस चार्ज के लिए, हो गया काम खत्म, वहां उतार लेगा, उतार लिया, और वहां से कमांडो निकले सब जहाज में से, चार जहाजों में से लास्ट जहाज खाली था, क्योंकि बंधकों को छोड़ा के ले जाएंगे सब, किसमें सब भर के नहीं ना, लास्ट जहाज क्या था? खाली था। और कमांडो निकले सब, धरधरा के भून दिए सब, और वो हिब्रू भाषा बोल रहे थे सब, हिब्रू भाषा उन्हीं की भाषा है यहाँ पे। अब बताइए मान के चलिए भारत के आदमी को, बिहार के आदमी को जापान में कोई किडनैप करके रख ले, तो हम लोग उतरते हैं, बैठ जो रे, नीचे बैठ जो, कोनो खड़ा मत रहिए, गोली चलाने वाला बनी, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। उन्हें किसी को बुझाइए नहीं रहे कि क्या बोल रहा है, बैठ जाए सन, जल्दी बैठ, ऊपर आओ, जेन खड़ा रही तो ना गोली मार दिया, जल्दी बैठ। जापान वाले को समझे तो बोला गया, तो जो हिब्रू वाले थे धाए से क्या हो गए? बैठ गए। जो खड़ा था मरा गया, तो जापान में ऐसे ही ना छोड़ाएगा आदमी, उसको भोजपुरी बुझाई भी नहीं कर रहा, धाए दे सूझ जो नीचे ना तो मार दिया ये गोली जल्दी बैठ एक दो तीन मार दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे। तब तक देखे सब गरी तुरी का, एयरपोर्ट के बगल में लड़ाकू जहाज है, तो लड़ाकू जहाज पीछा कर लेगा इन लोग का आराम से। बम निकाल के सारा लड़ाकू जहाज को उड़ा दिया सर, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया सर, एयरपोर्ट उड़ा दिया सर, और सबको बैठाया। सबसे पहले जितने बंधक थे सबको बंधक को भर दिया गया यहाँ पे, बंधक को भर के उड़ा दिया गया। तो पहला जहाज में जो भी हॉस्टेज जो किडनैप थे उनको उड़ा दिया गया, दूसरी जहाज में कमांडो गिर गए, तीसरे में भी, चौथे में भी एक कमांडो बच गया था,
लास्ट में तो जहाज रनवे पे दौड़ रही थी, तो कहा कि अभी देखते हैं, क्योंकि एक मरीज जो थी, एक औरत नहीं मिल रही थी जो 80 साल की थी, एक्चुअल उस बीमार पड़ गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले गए थे सब। तो कह रहा है कि रुक जो, हम हॉस्पिटल से छुड़ा के ले आ रहे हैं। कहा से रे बकलोलवा, कहीं के तोरे चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। तो एकदम लास्ट में रह गया, तो चढ़ते चढ़ते इसको गोली मार दिए सब। और जब गोली मार दिए सब तो इसको लेके गए, बाद में इजराइल पहुंचा, 3-4 दिन इलाज हुआ, नहीं बच पाया। जो मरा था ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, जो आज वहां का प्रधानमंत्री है। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां का प्रधानमंत्री है ना, उसका अपना भाई मरा था, और मार के यहां से लोगों को वापस लेके चलाया था युगांडा से। केवल एक औरत बची थी, वो भी बीमार पड़ गई थी, उसको एयरपोर्ट से उठा कहां ले गया सर, हॉस्पिटल। और इधर इजराइल की एक टीम आतंकवादियों से बात कर रही थी कि आप पैसे ले लीजिए, पैसे के बदले छोड़ दीजिए, हम अपने ऊपर में बात कर रहे हैं, और ऊपर हायर अथॉरिटी से, हम डीएम से बात करते हैं। डीएम कहेगा देखिए हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम आतंकवादियों को छोड़ सके, आप पैसे की बोलिए तो हम पैसे की बात कर लें। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हम आपको 2 घंटे में बताते हैं कमिश्नर सर से बात करके। फिर कमिश्नर वही बोलेगा, कहेगा हम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से बोलते हैं, हम सेक्रेटरी से बोलते हैं। करते करते 2 दिन लगा दिया सब, 3रा दिन तो सुता दिया। अब समझ में, इजराइल अपने एक भी बंधकों के बदले कुछ नहीं देता है। कहता है कि तुम हमारे कितने बंधक को ले जाएंगे, 40 गो को, 80-40 हजार तो मार दिया, 40 बंधकों को पकड़ के ले गए ना, 40 गो क्या कर दिया मार। और हम भारत वाले सुनिए, हमारे यहां भी सेम घटना हुई थी। नेपाल से एक जहाज उड़ी, इंडिया आ रही थी, उसे हाईजेक करके लेके चला गया सब लाहौर। कहां ले गया? लाहौर। फिर अफगानिस्तान के कंधार में, और कहा गया कि हमारे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ो। जिन आतंकवादियों को छोड़े थे ना, वही आतंकवादियों ने ताज होटल और पुलवामा जैसे हमला कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और अजीत डोभाल जो भी वो है सुरक्षा सलाहकार, ये इन बंधकों को लेके गए थे अफगानिस्तान, बात कर रहे थे उन लोगों से। यहाँ पर बताइए, हम लोग भी तो चाय मार सकते थे। हाँ, हम लोग की बेवकूफी समझो, इतना होशियार जहाज का कैप्टन था, हम लोग के जहाज का कैप्टन इतना समझदार था कि जैसे काठमांडू से जहाज उड़ी ना, तो उसके कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया, से कहा कि लाहौर ले चलो लाहौर। तो कहा कि हाथ जोड़ते हैं, लाहौर जाइए नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें दिल्ली तक का ही फ्यूल भरा हुआ है, खूब से खूब जाएगा तो अमृतसर जाएगा। कहा चल चल चल, अमृतसर उतार, अमृतसर में तुम तेल ले लेना। अमृतसर में उतारा तो उसके खोपड़िया बंदूक लगा था। कैप्टन क्या बोल रहा है, क्या IC-814 के पायलट बोल रहे हैं, हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, हमारे पास जबकि फ्यूल था उसके पास लाहौर जाने का। तो हमारे यहाँ की ATC बोल रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि हमें लगा फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे। अरे सरकारी स्कूल का विद्यार्थी नेपाल फोन करता, पूछता कि इस जहाज में कितना फ्यूल भरे थे लोग, आराम से पता चल जाता। कोने टेम्पू थोड़े है कि जहां मन वहां रोक के भरवा लो, उसमें हर एक चीज हिसाब होता है कितना फ्यूल भरा गया यहाँ पे। अजीब हाल है, जहाज हम लोग का रुका, हम लोग का जहाज यहाँ रुका, 2 घंटा रुका, 2 घंटा। तब आतंकवादियों ने कहा कि ना भाड़ में जाओ, एक काम कर उड़ाओ, बिना फ्यूले को उड़ाओ, लेके उड़ गया। तब पायलट को कह रहे चुट्टा कहीं का कोहरा था, फ्यूल नहीं है, मालिक छोड़ दो यार। सोचिए हम हिंदुस्तान वाले लोग, आज आतंकवादियों को छोड़ दिए लो। अरे इतना सिंपल तरीका था, जो भी जहाज है, जैसे जहाज है ना, जहाज में यहाँ खिड़की होती है, यहाँ क्या होती है खिड़की, लाइन से क्या है खिड़की, दूर से पैलेट गन छोड़ना चाहिए, जो मतलब जिसमें छर्रे होते हैं, समझा गया कि नहीं आ गया, गोली नहीं होता है, मारता यहाँ 3-4 को गेटवा तोड़ देता, 3-4 को क्या हो रहा है टूट जाता, और उसके पीछे पीछे बैठ के बेहोश होने वाला गैस छोड़ देता, सारा गैस भर जाता, आदमी तो बेहोश होते ही, और जो बंदूक लिए थे किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बेहोश हो गया रहता, कुछ नहीं कर सकते, टायर पे गोली मार देते। लेकिन ना, हम तो विश्व गुरु हैं। हम लोग क्या है, विश्व गुरु, छोड़ दिए हम लोग यहाँ पे, इतना खतरनाक काम किए थे। अच्छा, उस जो जहाज उड़ाया था उसमें एक को पकड़ा गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उस आतंकवादी का नाम था अब्दुल मोमिन, आतंकवादी का नाम क्या था, अब्दुल मोमिन। हम एक बार ऐसे ही किसी क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने कहा कि अब्दुल ने जहाज उड़ाया, उसको पकड़ लिया सब, अब हमारा घेर लिया सब, एक आंसर बोलते हैं कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया,
अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया। बताइए हम लोग को बदनाम कर रहे हैं ये भाई, हमें बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक ये देश रहेगा ना, ये वाला पाकिस्तान, तब तक बदनामी होलसेल में आएगी। डेली कुछ ना कुछ बम फाट के चलता फिरता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके फट जाएगा। अभी देखिएगा ना, ईद आएगा ना, ईद दो तीन दिन में, 11 को ईद है ना, देखिएगा पाकिस्तान में कोनो ना कोनो मस्जिद में फट जाएगा सब।